उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कविता संग्रह रमणी जौनसार के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पंडित शिवराम जी जौनसार बाबर के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जहां केसरी चंद जी और अभी आदरणीय त्रिवेणी जी ने कहा दुर्गा मल जी, हम उन सबका स्मरण कर रहे हैं और उनके स्मरण से पहले हम पंडित शिवराम जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए उन सबका स्मरण भी कर पा रहे हैं जिन्होंने केसरी चंद जी के बारे में लिखा। और वास्तव में नई पीढ़ी को बहुत व्यापक रूप से जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास है या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पराक्रम है, उन सबको नई पीढ़ी से अवगत कराने और परिचय करवाने का काम किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उनके माध्यम से संकलन हुआ है। और आज वास्तव में रमणी जौनसार का इस विमोचन के अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जब मैं यहाँ पहुंचा तो अक्सर इस हॉल में आदरणीय जगुड़ी जी में कई बार आ गया हूँ, ये दायित्व मिलने के बाद मैं बहुत बार आया और बहुत सारे कार्यक्रमों में यहाँ सम्मिलित हुआ, लेकिन इस बार मैं जब आया तो मुझे थोड़ा अलग सा नजारा दिखा। पूरे जौनसार के लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा जौनसार आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको जो है यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हुआ। जिस प्रकार का सभी का परिवेश था, जिस प्रकार के लोगों के भाव थे, वो वास्तव में उनको यहाँ पर बहुत सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसलिए मुरतराम शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी के और कोई भी योग्य बेटा होता है तो ये काम वैसे तो आपको पहले ही करना चाहिए था, लेकिन देर आए।